हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने तुलसी के पौधे में इस तरह से पत्तियों को बड़ा कैसे कर सकते हैं और कैसे हम तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे प्लांट की लीफ और ये है एक नॉर्मल तुलसी की लीफ। इन दोनों के साइज़ में कितना अंतर है आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर आपको भी अपने प्लांट पर बड़ी लीव्स चाहिए तो इन पांच बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सॉइल टाइप। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें तुलसी का पौधा लगाने के लिए मिट्टी कैसी लेनी है। तो हमें 60% गार्डन सॉइल और 40% सैंड का मिक्सचर लेना है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। दूसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है पॉट का साइज। कोशिश करें कि तुलसी के लिए एक बड़े साइज का मिट्टी का गमला आप प्रेफर करें, छोटे साइज का या प्लास्टिक का गमला ना लें। तीसरी चीज है खाद। कई लोग अपने तुलसी के पौधे में खाद डालना नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसे में आप अपने प्लांट में सूखी पत्तियां, फूल ये डायरेक्टली अपने पॉट में डाल सकते हैं। चौथी बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें अपने गमले में कोई भी वीड्स यानी जंगली पौधे नहीं उगने देने हैं। एक गमले में सिर्फ एक तुलसी का पौधा ही हो। उसके अलावा अगर कोई पौधे निकल आते हैं तो उन्हें इस तरह से आप हटा सकते हैं। तो पांचवी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब आपके तुलसी के पौधे में इस तरह से सीड पॉड्स डेवलप हो जाएं, तो आप उन्हें तोड़कर अलग कर दें। अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो हमारे पौधे की लाइफ बढ़ जाती है और उसकी पत्तियों का साइज भी बढ़ने लगता है और हमारा पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है ज़्यादा समय तक। दोस्तों, अगर आप भी इन पांच टिप्स को सही से फॉलो करते हैं तो आपके तुलसी पर भी हरे भरे और बड़े पत्ते बहुत जल्दी हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।